जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली पुलिस ने बस में चेन स्नेचिंग करने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने किया खुलासा। जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली पुलिस ने बसों में चेन स्नेचिंग करने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम गुमथर निवासी देवेंद्र कुमार अपनी पत्नी अनुराधा के साथ बस से मुरादाबाद जा रहे थे कि बस में चढ़ते समय एक लड़की ने चेन चुराकर अपने साथ की दूसरी लड़की को दे दी, लेकिन पीछे से बस में सवार हो रहे देवेंद्र ने देख लिया और शोर मचा लिया, जिसके बाद मौके पर ही उनकी लड़की से सोने की चेन बरामद हो गई। पुलिस ने तीनों चेन स्नेचर महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। इसमें कल दिनांक 30/8/2020 को रक्षा बंधन का त्यौहार था, तो हमारे यहाँ थाने से सभी जगह ड्यूटी लगी थी, जहाँ भीड़ भाड़ का जैसा था, इसी क्रम में रोडवेज स्टेशन पर भी ड्यूटी लगी थी, क्योंकि महिलाएँ बहुत अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही थी। उसी समय मुरादाबाद से अलीगढ़ जाने वाली बस में कुछ औरतें, औरतों के लिए कल का दिन फ्री भी था, औरतें ज़्यादा मात्रा में जा रही थी, उसी में एक औरत जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए कटघर जा रही थी, लेकिन उसकी चढ़ते समय ही किसी ने उसकी चेन छीन ली। जब चेन छीनी तो तुरंत लौट के उसने पीछे देखा और पीछे देखने के बाद देखा कि एक औरत मेरे के हाथ में मेरा चेन है, तो उसने तुरंत उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वहाँ पुलिस लगी तो चिल्लाई, पुलिस ने जाकर पकड़ लिया, थाना प्रभारी गए और उसको थाने पर लिया है, और उसमें 3 लेडीज पकड़ी गई हैं, जिसमें एक उसकी बुआ है और दोनों लड़कियाँ उसकी भतीजी हैं, जैसे भतीजी और बुआ है, तीनों को थाने पर ला के तैयार करके उनके साथ मिली कार्रवाई की है। कुछ आदमी नहीं है कुछ इनके साथ या सिर्फ महिलाएँ महिलाएँ ही मिली है, और महिलाओं का ही इनका गिरोह है ये, जिसमें 3 ये थी, बाकी नहीं मिली है, और अभी हमारी भी ड्यूटी वहीं पर लग रही है। कहाँ की रहने वाली ये बता रही, नूरपुर की रहने वाली है, जो बिजनौर जिले में। सर कुछ चैन बरामद हुई है उनसे? हाँ, एक चैन बरामद हुई है।